Subscribe the channel to get more videos on civil services. कुछ ही दिनों पहले यूपीएससी ने 30 वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें लैटरल एंट्री के थ्रू 3 जॉइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर के पोस्ट की रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैटरल एंट्री क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या लैटरल एंट्री से बने आईएएस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपसे इंटरव्यू में लैटरल एंट्री के बारे में पूछा जाए तो आप अच्छे से इंटरव्यू पैनल को जवाब दे सके। अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दिए बिना ब्यूरोक्रेट बन जाए तो इसे लैटरल एंट्री कहा जाएगा। लैटरल एंट्री में प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूपीएससी द्वारा रिक्रूट किया जाता है ताकि उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को देश के डेवलपमेंट में उपयोग किया जा सके। लैटरल एंट्री में यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रिक्रूट किया जाता है, यानी उन्हें 3 से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट पर रिक्रूट किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिटायरमेंट तक यानी 60 साल की उम्र तक सर्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको आईएएस और आईपीएस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोस्ट एक सेक्रेटरी की होती है और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रैंकिंग है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की रैंकिंग से थोड़ी अलग होती है। और अगर आपको आईएएस ऑफिसर्स की स्टेट गवर्नमेंट की रैंकिंग पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। 2017 में नीति आयोग ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट में कुछ प्राइवेट सेक्टर से लोगों को रिक्रूट किया जाए जिससे गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आएगी और लैटरल एंट्री में वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर में 10-15 साल काम करने का एक्सपीरियंस हो। सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस ने भी अपने रिपोर्ट में लैटरल एंट्री इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। पर ऐसा नहीं है कि लैटरल एंट्री के थ्रू आईएएस बने कैंडिडेट्स को डीएम बना दिया जाएगा, क्योंकि डीएम फील्ड लेवल की जॉब है और लैटरल एंट्री से आए ऑफिसर्स सिर्फ सेक्रेटेरिएट में काम करेंगे, यानी उनका काम मेनली पॉलिसी कोऑर्डिनेट करना होगा। लैटरल एंट्री के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर में सर्व कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट के साथ सर्व करने का मौका मिलेगा। आउटसाइडर्स अपने फ्रेश आइडिया और प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे जिससे गवर्नेंस में इनोवेशन और इफिशेंसी आएगी। डीओपीटी की माने तो इंडिया में 1500 से भी ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स की कमी है और लैटरल एंट्री इस कमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। पर अगर आप सोच रहे हो कि यूपीएससी हर साल वैकेंसी ज्यादा निकाल के इस शॉर्टेज को फिल क्यों नहीं करती तो आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। खैर, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एडवांटेजेस के साथ साथ लैटरल एंट्री के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी। सिविल सर्विसेज एग्जाम से ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंडिया में शायद ही कोई एग्जाम होगा, पर लैटरल एंट्री में कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, बस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इसे चांसेस बहुत बढ़ जाती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आइडियोलॉजी वाले लोगों को ही रिक्रूट करे। लैटरल एंट्री से मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट के पोस्ट को फिल किया जाता है जिससे जूनियर आईएएस ऑफिसर की प्रमोशन में कमी आती है, जिसके कारण वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का माइंडसेट प्रॉफिट कमाना होता है, पर गवर्नमेंट का मकसद जनता की सेवा करना होता है, तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग गवर्नमेंट में अच्छे साबित ना हो। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कोड ऑफ कंडक्ट प्राइवेट सेक्टर से काफी अलग होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि वो मीडिया के सामने अपने पर्सनल थॉट्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसर्स को इतनी रिस्ट्रिक्शन की आदत नहीं होती है। गवर्नमेंट का काम करने का तरीका प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल अलग होता है, तो लैटरल एंट्री के थ्रू सिलेक्टेड ऑफिसर्स को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट होकर रिजाइन भी कर दे, और ऐसा कुछ हो भी चुका है। 2018 में अरुण गोयल लैटरल एंट्री के थ्रू सिलेक्ट हुए थे पर उन्होंने पिछले साल ही रिजाइन कर दिया। 2018 में भी गवर्नमेंट ने लैटरल एंट्री के थ्रू 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ कैंडिडेट्स को जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पोस्ट पर रिक्रूट किया था, और गवर्नमेंट फ्यूचर में भी लैटरल एंट्री के थ्रू ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करती रहेगी। और ये बात जरूरी है कि गवर्नमेंट को खुद को रिफॉर्म करते रहना चाहिए, और लैटरल एंट्री एक अच्छी चीज है, और यूके ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में भी लैटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट किया जाता है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि लैटरल एंट्री के नाम पर नेपोटिज्म फेवरेटिज्म ना हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और ज्वाइनिंग से पहले ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए और लैटरल एंट्री इतनी भी ना हो जाए कि जूनियर आईएएस ऑफिसर्स की प्रमोशन में बहुत कमी आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।